दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं बिहार से शिक्षकों के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि विद्यालय में लाभुक बच्चों को 2 माह के MDM का खाद्यान्न और खाना पकाने की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर माह में कुल 40 कार्य दिवसों के लिए पहली से लेकर के 8वीं के सभी बच्चों को MDM के तहत निर्धारित प्रति बच्चा अनाज और परिवर्तन मूल्य की राशि दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1ली से 5वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज और 4 रुपये 97 पैसे परिवर्तन मूल्य के साथ, जबकि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए प्रति बच्चा 150 ग्राम खाद्यान्न तथा 7 रुपये 45 पैसे अनाज के पैसे देने का निर्धारित किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1ली से 5वीं तक के हर बच्चे को 4 किलो अनाज तथा 198 रुपये, जबकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चे को प्रति बच्चा 6 किलो अनाज और 298 रुपये उनके खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। यह राशि बच्चे के खाते में NIC द्वारा DBT से स्थानांतरित की जाएगी। आइए जानते हैं अगली खबर क्या है। दोस्तों अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भारत सरकार द्वारा सूचना इसमें जारी की गई है कि सभी विद्यालय 30 नवंबर 2020 तक के लिए बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्यालयों को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बंद रखा जाएगा। आइए चलते हैं अगले खबर की ओर। दोस्तों बिहार में इस समय ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि 3 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1, 2 और 3, अब इसकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है और अब मॉड्यूल 4, 5 और 6 1 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक सक्रिय हो गए हैं और इसे पूरा करना है। दोस्तों मॉड्यूल 4 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन और मॉड्यूल 5 शिक्षण अधिगम और आकलन ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन, जबकि मॉड्यूल 6 में कला समेकित शिक्षा पढ़ना है। दोस्तों आप इसे ससमय पढ़ जाएं और किसी तरह की लापरवाही न करें। दोस्तों ऐसा देखा जा रहा है कि मॉड्यूल 4, 5 और 6 में, मॉड्यूल 4 या 5 और 6 को पढ़ते समय वीडियो अगर चलाते हैं तो नहीं चलता है, रुक जाता है और समस्या सामने खड़ी हो जाती है। दोस्तों आप इसके लिए नेटवर्क की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आप अपना वीडियो चलाइए और अगर नहीं चल पा रहा है तो किसी दूसरे मोबाइल में भी एक बार प्रयास जरूर कर लीजिए, यह चल जाएगा। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों UPSCST आपके लिए आमंत्रित कर दी गई है, इसमें विज्ञापन भी निकाल दिया गया है, जिसकी तारीख है ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29/10/2020 से प्रारंभ होकर के आप ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे 29/10/2020, और पंजीकरण की अंतिम तिथि है आप याद रखें 27/11/2020। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ससमय इसके लिए आवेदन जरूर कर लीजिए। विशेष जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.upseesbi.org। इस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।